कोरोना वायरस ने विदेशों सहित देश भर में ऐसा आतंक मचाया है जिसके नाम से लोगों को पसीने छूटने लगे हैं। ऐसे में बीमारी के रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अपील करते हुए आम जन को बाहर न निकलने की हिदायत दी। उसके बाद 3 हफ्ते का लॉकडाउन होने के बाद सड़कों पर कर्फ्यू की स्थिति निर्मित हो रही थी। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के सामने पेट भरने की समस्या खड़ी हो गई, जिसका उसे पता चला जब खरगोन के नवग्रह मंदिर के समीप गरीब बेसहारा बच्चों को मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता राजा खान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खाना खिला रहे थे। इस दौरान मीडिया चर्चा में राजा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते फुटपाथ पर रहने वाले भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इसी को लेकर वे 22 मार्च से सुबह शाम लोगों को खाना खिलाकर समाज सेवा कर रहे हैं। वहीं इस अनूठी पहल के बाद लोगों ने बताया कि निश्चित तौर पर कोरोना कर्फ्यू में मुस्लिम सामाजिक संगठन बेसहारा लोगों का ख्याल रख रहा है, जिसकी हम सराहना करते हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।